स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सभी अच्छे हो। पिछली वीडियो में आप सभी तो बता था आप खतर एक छोटा सरप्राइज है। सौराज ट्रैक्टर पर हमारे वहां पर काम चल रहा है, उसका पंप उतरने लग रहा। पंप मैं ऐसा जुगाड़ करवा के लेके जाऊंगे जो आगे तेल की सप्लाई ज्यादा करेगा। टर्बो में पावर आओगी, टर्बो ट्रैक्टर तो पावर देगी, ट्रैक्टर फिर सिस्टम हैंग करेगा। दूसरा जो मेन सरप्राइज है वो भाई हम अपने आड़े स्वराज के लिए फ्रंट आड़ा एक्सल लेन के लिए जा रहे हैं। सबसे मेन बड़ी बात, जैसा जॉन डियर का हो गया ना एक नंबर का सिस्टम, वैसे ही स्वराज का भी एक नंबर का हो जाएगा। इसका कुछ उस तरह ऊपर ही हो जाएगा। आज तक स्वराज में किसी ने भी वो एक्सल देखा नहीं होगा, मन तो आज तक देखा नहीं भाई। आई होप आपने भी देखा होगा, गजब चीज हो जाएगी। चीज काफी कॉस्टली है, काफी प्रीमियम है, लेकिन ट्रैक्टर में लगने के बाद ना मजा आ जाएगा। बस लगाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा उसका, उसमें दिमाग ज्यादा खराब होगा। बाकी कोई नहीं, लेके आऊंगे तो लगाऊंगे भी। गाड़ी पीछे देखो क्या हो रहा, सीट साट फोल्ड करके पीछे वो रख रखे हमने फोम का। बाकी ट्रैक्टर और दिखाता हूँ आपका, पंप उतरने लगा ट्रैक्टर, पता है बस 5 या 10 मिनट पंप उतर जाएगा। आयो बार तार दवाई तार और के खोला इसका ही चिल्ड बॉयज आ चुके हैं। पंप उतार दिया, आए हाय ये क्या हाल हो गया है मेरे ट्रैक्टर का। कैसा क्या जुगाड़ है भाई इसके अंदर, यहाँ टाइमिंग टूमिंग कुछ मैच होगा इसकी, इसमें अलग जुगाड़ है यार। चलो जो भी है, एक चीज तो यार रखी भाई स्वराज की, और दूसरी इसमें पंप का सारा सारा जुगाड़ इसमें है। ये बंद कर दिया उन्होंने, बाकी जहाँ पे इसके प्लंजर चेंज होंगे ना तब आपसे भी तो मैंने खोल के दिखाऊंगा। तब तक ट्रैक्टर हम अपना यहीं पर छोड़ के जा रहे इसके। यार अंकल हमने आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, आप ना इन अंदर रख लियो है, जितनी हो सको उतनी जल्दी आने की कोशिश करूंगा। हाँ फिट करने में भी टाइम लगेगा, दिन में तो अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा, रात में फिर अच्छे तरीके से फिट भी नहीं होने का। इनमें टाइमिंग का चक्कर ही बहुत ही अलग हो भाई, अगर टाइमिंग आउट होगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लेट ज्यादा हो गए यार, बस के करा है। चलो बस ही हाला चलते ना, थोड़ा सुबह जल्दी उठना पड़ा जब काम सही हो, सुबह फिर यार धुंध ज्यादा पड़ी रहो। अरे नोजल भी तो रहेगी, ये भी तो लेके जानी थी, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये भी लेके जानी भाई नोजल भी। अंकल आपने देखे होते ठीक थी बिल्कुल, पाइप सही है, ये भी लेनी थी निकल चल ले रही नहीं। गेट खोल ले, चल पंप में लेकर आना करा, स्क्रैच मार देगी उरेंद्र दे यार। दर तू को किसे मार देगी इस पे, मैं इस पे मैट पे, इस पे इसके मैट पे, इसके मैट पे। हां लगता दर अभी इसके नीचे सोनू तोलिया दिया पकड़ा है। हां पीछे तोलिया पकड़ा भाई, तोलिया दे ये वाली दे, उतर गया पूरा बोझ इसमें। ल तू हाथ लुआ इन्हें, सोनू दागे दे दे पाए अंदर लगा है ना, इन्हें भी आगे रख लेंगे, बस कर दे गेट बंद। ओ ट्वी इन्हें उस पर उसमें दर्द है आर्म रेस्ट में, सेफ सी जगह पर। अरे यो किरण गजरी पड़ी आ रही है तो, चल कोई नहीं इनका भी कराते हैं काम आर्म रेस्ट में। ना 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 नोजल है, ये काम की चीज है, तने के बेरा और कदे ना मोस दतू कट दे रही तने बढ़िया जगह पर। चल रानी पूछा दे हमने जल्दी जल्दी सीधा गुआना गुआने दे फिर उतक है ना। बस भूख इतनी लग रही, सुबह तक कुछ नहीं खा रखा, देखते हैं रास्ते में कुछ लेना पड़ेगा बढ़िया खाने पीने का। यहाँ आगे तो जलेबी मशहूर है, जलेबी मोटी मोटी जलेबी। गाड़ी भाई हमने रास्ते में रोक ली, एक गाड़ी वो आ गई अपने पीछे पकौड़े ले रखे सुखचंद सिंह, भूखे मर लगे यार कुछ तो ख्याल है। क्या हाल हो रहे भाई, तुमने भी इंटीरियर तो सिटके और मैच करा रखे, ये जैकेट दे देना बेच दे लेना ना। अरे नहीं दिला के ले मजिया के यार, यो यार बढ़िया लग यार मैंने यार, कौन सी कंपनी का है यू देख लो भाई, कौन सी की पी एच आई एल पिलपली गाल दे भाई रोक दे पता जी तो रात में पनीर वाले ब्रेड और सोनू पकोड़े खाना है रे हैं दुनिया से अलग सोरा। लेट 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 बहुत ही ज्यादा लेट चल रहे भाई, फिर भी रोहतक शहर में पहुंच गए भाई, और रोहतक शहर शहर में नहीं जहाँ पे अपना जाना ना हम वहाँ पे पहुंच गए। सोनू पीछे दूसरी गाड़ी मान लग रहा और यही रोकनी हमने गाड़ी, पंप तो जा लिया सुखचैन अंदर लेके, और ये कौन सी नो डीजल वाली पाइप है कौन सी, क्या चक्कर है इनका भी, हम तो ये भी लिया है इनमें कोई मोडिफिकेशन होती होगी ना तो वो भी करा लेंगे भाई। यार दुकान
वो है अगर प्लंजर जो अभी आप दिखा रहे थे ये वाले है खराब हो रहे हैं या ठीक अभी है? ये मतलब चलो तकरीबन 30-40 पैसे ले रहे हैं रुपए में। 30% 70% ये डाउन आ रहे हैं। डाउन आ रहे हैं। ठीक। हाँ मतलब 40-1 पैसे ले रहे हैं जी। इनमें तो थोड़ा ग्राइंड करके ना जी प्रेशर पूरा कर देंगे। प्रेशर ही ना डाउन आ रहा। हाँ डाउन आ रहा। हमारे पास ना 7-8 ट्रैक्टर है हमारे ग्रुप में हमारे गांव गांव के। आज ला हमने अपने पहले ट्रैक्टर आप खोल लिया है। हमने नहीं बारे में इतनी नॉलेज नहीं है ना ज्यादा। इसमें डीजल डाल लो आप है जो बाहर जाओ वेस्टेज जाओ है चेकिंग के लिए खाली। पंप का भाई अपने काम अंदर दुकान में चल रहा है तब तक हम अपना जो स्वराज का हिस्सा रहा ना उन्हें और देखा हुआ और एक गाड़ी आ रही वजह होगी। चलो सारी गाड़ियां ले जाओ क्योंकि यार देखो अब इसमें तू राम ना रख दिया तो फिर इसमें बैठ करने की जगह रहने की तो इसलिए वो गाड़ी भी साथ में लेके जाना करे। अब जूनियर की एजेंसी में जाना भाई एक्सल देख के फ्रंट वाला एक्सल देख के मजा होगा। वैसे मैंने तो देख रखा स्वराज में लगा देखा सुखचैन के पुराने ट्रैक्टर में था वो 14 उसमें लेकिन उस टाइम पर हमने नॉलेज टायर लेते उसने बाकी कोई नहीं यार घोड़ा खतरनाक यार उस जितना पक्का शायद ही किसी ट्रैक्टर में आता हुआ भाई आता नहीं यार से लाओ उस जितना पक्का किसी ट्रैक्टर में लोडर का दूर रहा वो जाओ भी स्वराज ने मोड़ दिया नहीं ट्रैक्टर बेच दूंगा ना भाई मैंने बात कह रखी स्वराज को मुड़ने का नहीं मुड़ा को नहीं भाई। हाँ भाई मुड़ने का नहीं आर्म रेस्ट तैयार ले इसके आर्म रेस्ट और खेड़ ये देखो भाई दुर्रा नहीं है तो अड़सीद आएगी अड़सीद घेर लिया हमने खागड़ की भीतर बला टूट जाएगा यू ना कितनी कटाई बढ़ा रही होता है जस्टिंग है यार सुख चैनल सारी पता रख रखा हमने ये चीज है यार ओ है नोट पलट कर रुलेगन सिगरेट चला गई अरे सर तुम्हारो इन्हें जोंडी में डी मंगा लता गनी लंडी लुक पड़ा है फिर डी खतर भी एक और मंगा ना हाँ लोग भी नहीं तरना खड़ा है रेट लिखे हुआ देखिए बड़ी बाद में देखने का जाकर रेट काट मारो पीछा दूड़ी हंसता है कौन है और ना है और एक रहा है तर 80,000 लिख रहा है इस पर। ये देखो यार स्वराज का 4x4 अगले टायर कौन सी कंपनी के इसके MRF के पिछले दूसरी कंपनी के देख लो भाई किसी भाई ने चंदा हो तो एजेंसी में ट्रैक्टर खड़ा ट्रैक्टर ठीक है यार 4x4 अगर किसी ने कम रेट में चंदा हो तो 7.5 लाख के आसपास का कह रहे भाई दे देंगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाएगा बाकी 22 मॉडल है ट्रैक्टर यू 22 मॉडल ट्रैक्टर है 1000-1200 घंटे के आसपास चल जा मेरा मन कर रहा था यार ट्रैक्टर लेने का फिर यार अपने पास ऑलरेडी स्वराज है उसका ही नहीं सिस्टम समझ रहा यार बाकी रोहतक एजेंसी में खड़ा भाई ट्रैक्टर यू जोंडियर की एजेंसी में खड़ा रोहतक जोंडियर की एजेंसी में किसी भाई ने अगर जरूरत हो ना तो फिर विजिट कर लियो रेट देख कर तो मेरा ही मन करे भाई ट्रैक्टर लेने का फिर वही है यार जगह नहीं है यार खड़े करने की तो क्या करेंगे। एक्सल तो रख लिया भाई गाड़ी के अंदर इब जाना रही था पंप वाले की दुकान पे उस भाई ने भी कर दिया काम तो सही को था भाई पंप का काम करा दिया। कितना टाइम लगा मिस्त्री जी इसमें कम से कम 2.5 घंटे लगे 2.5 घंटे लगे कैसा रिस्पॉन्स आओगा इसका बहुत बढ़िया खतरनाक रिस्पॉन्स आओगा चलो बाकी जैसा भी रिस्पॉन्स होगा ना मैं आप तक फिर वीडियो बना के भेज जरूर चल भाई गाड़ी तो भाई अपनी वहां पर खड़ी कर दी बाकी कुछ खाना पीना खा ला भूख लग रही बाल सारे सारे अंदर जा लिए अंदर चल के मिलते हैं खाना पीना हो गया फिर दोबारा बाहर चलना है चला फिर लेट हो गया यार हम तो भाई घर पर चले गए फिर मारा याद आया हमारा स्वराज भाई वही मिस्त्री दुकान पर खड़ा मेरा तो खड़ा बैठ गया यार ठंड सी लगी थोड़ी सी एक केड़ा खड़ा है यार ड्रोना मुंडे बाबा ही खड़ा है ना भाई छोर ना भाई ईंट तो रख शो के ऊपर तड़क रखा पटेटी डक रखी इतने केड़ गया चलो एक बार उतर के देखते हैं क्या कुछ रिस्पॉन्स आ जाओ फिर भाई रिस्पॉन्स के दानों का नुकड़े हैं ना मैं देखता हूँ यार देखा बैटरी बुटरी के तार तुरे टार रखे लड़का ना दोन देखो भाई कितनी ज्यादा है फेंडर आज नहीं खुले नहीं आज नहीं खुले मिस्त्री तो बिल्कुल बेचारा सुंदा पाओ अपना
सोजो सुबह ले आऊंगा फिर पंप गाड़ी में तेरे। हैं ठीक है भाई। ना ना बस 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 तू लौट जा बस आराम से सो जा तू। आ केड़ा खड़ा है यार बाप भाई खड़ा है मुंडियो। सुबह आऊंगा भाई डर होगा। सुबह मिलेंगे बाय बाय टाटा। घर तो पहुंच गए। चलो भाई आजा। के देख रहे तू किसी करनी है इसकी मैं डीगी सब ती मर नंदी देख लगा क्या अब मैं देख ले क्वालिटी सिस्टम में लगा दूर रहेगा यार। सोनू की रहनी बाहर निकल गई भाई। नो जी घर पर तो पहुंच गए। क्यों रे इसकी गाड़ी का कुकर चल रही है। अच्छा इसमें तो यो दो क्विंटल का एक्सल हो रहा है इसका। लोड मान रही गाड़ी मैं भी घुमा लोड सामान रही पता नहीं किस चीज का है। बाकी लगा लो आप। क्या टाइम हो गया 11:38 हो गए भाई 12 ही बज गए। देख लो फिर तार लो महबे तड़ी कौन तरवा होगा इसने तारो फिर हैंड आला बोले काम नहीं। सोनू तू ऊपर जा भाई। सोनू बाप भाई घर है जाए। देख एक बोलो ए मैं तोड़ ले सोनू छोड़ कर ये लो जी लगाते काट ना दूसरा तो नहीं है ना जरा बराबर में थोड़ा सर को बस ये बराबर में जा फिर मेरे को जगह तुम दे रहे ये लगा ले इन्हें क्या लूला है बेच पा दिए बाकी आपसे भी तो सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग भाई। रात बस मैंने पता बस निकाल दी जैसे तैसे भी करके क्योंकि अपने ट्रैक्टर पे बड़े वाला पंप फिट होने वाला है। कहाँ पर रखा ये रखा। मेरी तो अभी थोड़ी डाउन होगी गड़ा गुड़ा बैठ रहा पता नहीं किस वजह से। तो फटाफट एक बारी इस सामान ना गाड़ी के अंदर रख ले और मिस्त्री तो पकड़ा दे ताकि वो इसने फिट कर दे। बाहर निकल के भाई ठीक हो बढ़िया और ठीक हो। सामान गाड़ी के अंदर रखा देख लो सारा है कि नहीं है। मेरा गला बैठ गया रात। अच्छा कुछ तो यू रहा। अच्छा कुछ मैं तार का आगे दे रही भाई। नहीं पैकिंग भी लिया था। पैकिंग फट गया यार वो। कोई बात नहीं ना तो इतना अभी एडवांस करियो ना रिटायर करियो। सुबह के भाई 11:10-11 आसपास का टाइम हो रहा। ट्रैक्टर पर अपने काम चालू हो लिया रखा सामान सारा सारा। पंप पता नहीं कहाँ है। पंप की था भाई उधर है उड़ा। वाह जी वाह। तेल देख लो उसमें कितना सेट करके दे रखे हैं। नाने नूने के लिए घर पर चला गया था मैं। बाकी ट्रैक्टर पर अपने पे काम हो गया कंप्लीट। आपसे भी दिखाते हैं। बाकी पीछे पीछे अपने दो सब्सक्राइबर भाई भी चल रहे बाइक पे उनसे मिलो एक बार। तुम तो यार ठंडे से हो रहे यार। नहीं भाई मासी की बहन के करनाल गए थे। अच्छा अच्छा तो भाई वापस घर गए तो मिल गए रास्ते में। नहीं भाई पिछली बार आए थे ना तुम नहीं मिले रोहित भाई मिला था बस। अच्छा अच्छा रोहित भाई कह रहा अनुगे तो पंजाब गए हुए बम्पर के लिए। हाँ 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 इसलिए टेस्टिंग चल रही 17 नंबर टायर है ट्रैक्टर में भी। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? क्या प्रॉब्लम आ रही है? दादा पंप फिट हो गया ट्रैक्टर के ऊपर। हमने इसमें जो जुगाड़ करा था ना वो नॉर्मल कर दिया। जैसे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आने लग गई थी बाकी उन्होंने रेस का जुगाड़ अंदर तय कर दिया। भाई थोड़ी सी इतनी ही रेस देंगे ना तो ज्यादा RPM चलेंगे। और बाकी यहाँ पेट्रोल के साथ सफाई कर दी। उस दिन वेल्डिंग करा था ना थोड़ा यहाँ भी गंदा सा हो रहा था यहाँ भी कर दिया। यहाँ तो भी अच्छी सफाई होगी। कुल मिलाकर बात यह है बढ़िया काम हो गया। यहाँ तो तार भी लग गया बैटरी के इसके। और दूसरी तरफ का थोड़ा सा बैटरी का काम पेंडिंग पड़ा अपना वो चल रहा है। अच्छा बस हो गया अभी
बैटरी तो इसकी डाउन है, बस धक्का मारा स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं रिस्पॉन्स कितना होगा। बाकी हमने ऑयल इसका जो पंप मतलब बढ़ा नहीं रखा, दिखा देता हूँ आप सभी तो एक बार। ये देखो कम ही कर रखा, और एक बार ऐसे कैसे टेस्टिंग लेके देखेंगे क्या फर्क लगा, फिर बाद में तेल खोल के फर्क तो लगा भाई, बाकी तेल अभी बंद है, तेल और खोल का देखेंगे। हाँ तो काफी फर्क लगेगा, बाकी एक बार तेल और खोल का देखते हैं भाई दोबारा। था मैंने तेल बंद करवा दिया, मैंने तो खोल दिया था, फिर मैंने जान लू जमा चल देखते हैं डिफरेंस क्या निकल का होगा। तेल बंद मैं और खुले हुए मैं अभी दूंगा कल टो चंकिंग मार रहा था पूरा खोल दे खोल दे फोन ने जेब में डाल लूं, टेस्टिंग ले आऊं खाली, क्योंकि फोन और ट्रैक्टर दोनों चीज कंट्रोल नहीं होगी। बस हट जाओ आनंद 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 चल बनिए बड्डी भाई बनिए 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 ट्रैक्टर का भाई रिस्पॉन्स चेक कर लिया, बहुत ही खतरनाक मजा आया भाई कति। बस भी आया एक प्लेट या बैठ नहीं रहेगी, या बैठ नहीं रहेगी, बस और कुछ नहीं, फिर ट्रैक्टर ना अपने घर लेके जाऊंगे ना भाई। यो भी तो लगाना रह गया, ये बैठना भी रह, काफी टाइम है लगेगा, तो चलो तब तक वेट करते हैं गाड़ी में बैठ कर। दो दिनों के बाद भाई सौर आज अपना घर आ जाओगा, भैया मुड़ी क्या गई दिखे इसका ना, उतना ही है पहले जितना ही है, पंप दिखने दिख रहेगा नहीं हो रहा। ठीक है भाई है बाकी थैंक यू। और भाई देखो अपना जितने भी सुनो लिए रही है के भाई है ना जिनसे अपना आसपास है गांव है, तो भाई दोहरा एक बारी काम पता है कि भाई बात यह है हम ना किसी बारे में कुछ नहीं करते, जिस भाई का हमने काम पसंद आओ ना उसके बारे में हम यह बात बोले यार तेरा काम ना बहुत ही ज्यादा पसंद आया ज्यादा हाँ बात करे। देखो यार यो पंप की जो सेटिंग है ना सौराज पंप की सेटिंग हम घर पे भी कर सकते लेकिन हमारे पे होती नहीं, इस भाई ने एक नंबर की सेटिंग करी और सेटिंग के ऊपर ही बात है। पंप वाले मिस्त्री ने भी बोला था अगर भाई जो फिटिंग करेगा ना इसकी उसके ऊपर डिपेंड, अगर वो अच्छी कर देगा तो ट्रैक्टर एक नंबर चला, अगर वो अच्छी नहीं करेगा तो ट्रैक्टर बढ़िया नहीं चलनेगा। बाकी यार ट्रैक्टर भाई ने दो दिन तक ख्याल भी रखा मेरे का, उसके लिए भाई धन्यवाद। हाँ तो फिलहाल बिना किसी देरी ट्रैक्टर स्टार्ट कर घर पे चला, बैटरी तो इसकी चार्ज है नहीं, धक्का स्टार्ट करना पड़ेगा। सौराज हो रहा कति चर्चा, देखते हैं जाकर के रिस्पॉन्स है सौराज का। पिकअप आया छोरे वक्त आठ मारता चिक्का।